गुजरात का सबसे लंबा त्योहार यानी नवरात्र, महज कुछ दिन ही बचे हैं नवरात्र के त्योहार में। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार गरबा में क्या नए स्टेप्स है और पोशाक में क्या नए ट्रेंड्स है, आइए देखते हैं। माँ अम्बा की आराधना का त्यौहार यानी कि नवरात्र। नवरात्र के त्यौहार में गरबा खेलने के लिए गरबा प्रेमियों ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। हर साल नवरात्र में कुछ अलग अलग हटके गरबा के स्टेप्स देखने को मिलते हैं। इस बार भी कई अलग अलग गरबा के स्टेप्स आए हैं, जिसमें बच्चनटू, रावड़ी, भाई भाई समेत कई अलग अलग गरबा के स्टेप्स हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी इस गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एरोबिक्स गरबा, बच्चन टू गरबा, बच्चन, श्रुति, श्रुतिवन, रॉक स्टार, ऐसे गरबे हम सीख रहे हैं। मैं स्कूल के बाद आकर मैं तरत गरबा की प्रैक्टिस करके शुरू कर देती हूँ। मैं बहुत खुशी होती है। गरबा के अलग अलग स्टेप्स के साथ साथ ड्रेस में भी अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। इस बार इंडो वेस्टर्न लुक काफ़ी ट्रेंड में है। अमूमन चनिया चोली पहनकर गरबा करने वाली लड़कियों ने इस बार जीन्स पहनकर गरबा करने जाने का मन बना लिया है। जैसे नवरात्रि पास में आ रही है, उस हिसाब से अलग अलग कॉस्ट्यूम्स ट्राई करवा रहे हैं। जैसे कि आज हमने पहना है धोती, उसके साथ हमने फुल ट्रेडिशनल हैवी चुन्नी सर पे बांधी है और नथनी पहनी है और हम बिल्कुल फुल मेकअप और गेटअप के साथ है। तो नवरात्रि की तैयारी अभी से ही हमने शुरू कर दी है कि नवरात्रि के 9 दिन जो हमें करना है वो आज से ही हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। ये ड्रेस बनने में कम से कम 2.5 महीने लगे हैं और हमको पहले से ही सारी प्लानिंग पता थी कि भाई इरफान सर ने हमें बताया था कि आपको लास्ट के दिन में ये सब ड्रेसेस आपको अरेंज करके रखने होंगे। अलग सबको देखना अच्छा लगता है, कुछ अलग करते हैं तो क्राउड से भी अलग दिखते हैं और हर साल हम लोग इस क्लास में कुछ ना कुछ अलग करते ही हैं और हर साल हम लोग बहुत सारे इनाम जीत कर भी लाते हैं। बस अब गरबा प्रेमियों को इंतज़ार है तो केवल नवरात्र का कि कब गरबा शुरू हो और वो धूम मचा के गरबा करें।